यार फाइनली फेसबुक ने पाकिस्तान के अंदर अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी ऑन कर दी है। अब जैसे आप यूट्यूब से कमाते थे वैसे ही आप अपने फेसबुक से भी कमा सकते हैं, लेकिन फेसबुक से आप जैसे यूट्यूब से मिसाल है आप महीने का 15,000 से 20,000 कमा रहे हैं, तो फेसबुक से आप मंथली 50,000 से 60,000 रुपया स्टार्ट में कमा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉपर मी यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें बेसिकली हुआ यह है कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुकी है। फेसबुक ने कुछ अर्सा पहले उर्दू लैंग्वेज को ऐड कर दिया था मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर, लेकिन जो पाकिस्तान का नाम है वो अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर उसने नहीं लाया था। तो इस वजह से पाकिस्तान का मोनेटाइजेशन नहीं ऑन थी। तो अभी पिछले दिनों ही 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान के वो जो आईटी डिपार्टमेंट है उनके फेसबुक के साथ बात हुई है और उनकी ये तय पा गया है कि पाकिस्तान के अंदर फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसी ऑन हो जाएगी, लेकिन ये पायलट प्रोग्राम के थ्रू है। पायलट प्रोग्राम मीन्स कि इसमें 3 जो है फेसबुक की पॉलिसीज जो है वो आपको मिल रही हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो है ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उसके आपको जो है पेमेंट मिल सकती है। उसके बाद सेकंड जो है आप फैन सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जैसे आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स देखे होंगे जिसमें आप पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं, मंथली सब्सक्राइब करना पड़ता है, देन ही आप उसके अंदर ऐड हो सकते हैं, तो वो वाला आप कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के। थर्ड जो है, थर्ड पॉलिसी जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने जा रही है वो है इन स्ट्रीम एड्स। तो इन स्ट्रीम एड्स के थ्रू जैसे पाकिस्तान के अंदर आप यूट्यूब से कमा रहे हैं, यूट्यूब के अंदर जैसे आप कोई से भी चले आप नहीं भी कमा रहे, यूट्यूब आप ऑन करते हैं, यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियो अप्ले करते हैं, तो जैसे ही आप वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पर एड चलते हैं, जिसका रेवेन्यू जो है जो इसका वीडियो का ऑनर होता है उसको जा रहा होता है, ठीक है, 55% उसको जा रहा होता है, 45% जो है वो यूट्यूब वाले खुद रख रहे होते हैं। वही सेम इसके अंदर भी है फेसबुक के अंदर कि आपको 45% जो है वो फेसबुक वाले रखते हैं और 55% जो है वो आपको दे दिया जाता है। तो इसी तरीके के साथ इन स्ट्रीम एड्स के थ्रू आप पाकिस्तान के अंदर कमा सकते हैं। बकाया ब्रांड कोलैबोरेशन और फैन सब्सक्रिप्शन वाला जो है वो आप लोग बहुत ज़्यादा जो ऑडियंस है ज़्यादातर वो उसको शायद यूज़ ना करें, लेकिन जो है इन स्ट्रीम एड्स का वो आप यूज़ करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। और ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, जो मैंने स्टार्ट के अंदर बताया कि आप फेसबुक के अंदर ज़्यादा कमा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि फेसबुक के अंदर आप क्वालिटी कंटेंट बनाएं। क्वालिटी कंटेंट बनाने के बाद एक वहाँ पर बटन होता है जो कि अपनी आईडी पे लोग शेयर कर लेते हैं, शेयर वाला जो बटन है। अब यूट्यूब से अगर वो शेयर करता है तो वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकता है, या फेसबुक के ऊपर शेयर भी करता है तो फेसबुक के अंदर जो यूट्यूब का लिंक होता है वो ज़्यादा प्रमोट नहीं होता, ये आप लोगों में नहीं देखा होगा, ठीक है। जब आप लिंक शेयर करते हैं उसके ऊपर 2-4-5 लाइक्स बस, इसके उससे ज़्यादा लाइक्स भी नहीं आ रहे होते, लेकिन पिक्चर अपलोड करते हैं तो 50-60 लाइक्स पर भी चले जाती है। तो यही चीज़ है फेसबुक के अंदर। फेसबुक के अंदर यह है कि आप वहाँ से अगर कोई आपको वीडियो अच्छी लगी है फेसबुक की, वहाँ से शेयर हो जाती है, जिसके थ्रू आप अगर वो ज़्यादा शेयरिंग में चली जाए तो वायरल हो जाती है और अच्छा खासा आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ आप फेसबुक से अच्छा खासा कमा सकते हैं और बहुत बहुत मुबारक हो। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मामले में कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अभी कुछ ही दिनों के अंदर वो लिस्ट के अंदर नाम ऐड कर देंगे, अभी फिलहाल लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया उन्होंने, लेकिन ऐलान जो है वो डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर भी हो चुका है और आर्टिकल्स वगैरह भी इस पर छप चुकी हैं और बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। तो आप अपने फेसबुक के थ्रू भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज ही अपना कंटेंट जो है वो फेसबुक के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दें ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप उसे कमा सकते हैं। लेकिन उसकी जो पॉलिसी है वो तो आप सब लोगों को पता भी है, मैं भी आपको बता देता हूँ कि 10,000 कम अज़ कम आपके फॉलोअर होने चाहिए और 5 एक्टिव वीडियो होनी चाहिए उसके अंदर, और साथ ही साथ 6,00,000 मिनट जो है वो वॉच टाइम, यानी कि ये ऑलमोस्ट 10,000 घंटे, जैसे यूट्यूब का 4,000 घंटे है इस तरह फेसबुक का 10,000 जो मिनट आवर्स है वो बनते हैं, ठीक है, 6,00,000 मिनट्स। और फेसबुक का आपको पता है कि बहुत जल्द हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, क्योंकि उसमें शेयरिंग वाला जो बटन है ना, शेयरिंग वाला बटन, उससे आप बहुत जल्द वायरल हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे वायरल हो रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।